देखिए अभी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, एमएलसी हैं, शिक्षक संघ के लाल बिहारी, उनसे मेरी अभी भी बात हुई। उन्होंने कहा कि जो वर्तमान जो परिदृश्य है उसमें जो हमारा गठबंधन है वो भाजपा के ऊपर, उनके एनडीए गठबंधन पे भारी है। इससे वो कहा जा सकता है कि जो आने वाले जो उपचुनाव हैं उसको वो भारी संख्या में जीत करके आएंगे, भले कुछ भी भाजपा या एनडीए के लोग कह रहे हों, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए इस तरह का बयान उन्होंने दिया। और उन्होंने यह भी कहा, लाल बिहारी ने यह भी कहा कि सिर्फ ये पहली बार ऑफर नहीं दिए अखिलेश जी, इसके पहले भी ऑफर दे चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आपको याद होगा कि पिछली बार जब ऑफर दिए थे नाम लेकर दिए थे, और इस बार ऑफर जो दिए हैं इशारों में दिए हैं, तो इशारा सब समझ रहे हैं कि इशारा कहां जा रहा है, किस ओर जा रहा है। लेकिन आने वाले समय में इससे पता चल सकता है कि मानसून सत्र होना है, लेकिन गर्मी अभी से बढ़ गई है, और मानसून सत्र में आप एनडीए और या क्या ये कहें जो इंडी गठबंधन है यानी जो पीडीए है अखिलेश यादव का, इसकी गर्मी आपको विधानसभा मानसून सत्र में जरूर देखने को मिलेगी। बिल्कुल राघवेंद्र और अजय, आप दोनों हमारे साथ बने हुए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी भी दे रहे हैं। सियासी समीकरण जो बने हुए हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में, जो हलचल है उसको लेकर क्या कुछ कयासबाजी हो रही है, इसको लेकर लगातार आप बता रहे हैं। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें, अखिलेश यादव जो लगातार ट्वीट कर रहे हैं वो ऐसा लग रहा है इसे कोई कपड़ों की सेल हो, और कह रहे हैं 100 लाख और सरकार बना दो। इसी बीच अगली खबर हम आपको बताएंगे मुजफ्फरनगर से, जहां पर प्रशासन के आदेश पर अखिलेश का एक ट्वीट सामने आता है और वो कहते हैं गुड्डू मुन्ना छोटू नाम से क्या पता चलेगा। मामले पर कोर्ट स्वतः संज्ञान ले, अखिलेश यादव का कहना है ऐसे आदेश सामाजिक अपराध के तौर पर देखे जाते हैं, ऐसे आदेश सौहार्द के शांतिपूर्ण वातावरण को बिगाड़ते हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा है कि कोर्ट इसमें स्वतः संज्ञान ले। तो मुजफ्फरनगर प्रशासन ने जो आदेश दिया है अब इसे लेकर राजनीति भी गर्म हो चुकी है। देखिए कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, उससे पहले मुजफ्फरनगर प्रशासन की ओर से स्वच्छता के लिहाज से ये कहा गया है कि जितने भी दुकानदार हैं वो अपने दुकानों पर या फिर ठेले पर नाम मेंशन करें, जिसे लेकर अखिलेश यादव अब लगातार तंज कसते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अनूप इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, मतलब अखिलेश यादव साबित क्या करना चाहते हैं, नाम की राजनीति, जाति की राजनीति, धर्म की राजनीति कोई पहली बार नहीं की जा रही है उनकी ओर से, वो इसके पहले भी चुनावों में वोट बैंक के लिए ऐसी राजनीति करते रहे हैं, और अब जो प्रशासन ने कदम उठाए हैं उस पर भी सवाल। देखिए राजनीति तो इस पर बहुत हो रही है नामिका, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिनके लिए यह आदेश जारी हुआ उनको परेशानी है या नहीं। मैं उन लोगों से मिलकर आ रहा हूं, उनसे बातचीत करके आ रहा हूं, और रिपब्लिक भारत ने अपने कैमरे में तमाम दर्शकों को दिखाया भी अपने कैमरे के जरिए कि उन लोगों को कहीं कोई परेशानी नहीं है। वो तमाम लोग हमसे बातचीत करते हुए कह रहे हैं कि प्रशासन का आदेश है, हम उसको फॉलो करेंगे, हमें कहीं से कोई परेशानी नहीं है, और ये जो कुछ हो रहा है हमारी बेहतरी के लिए हो रहा है, तो इनको कोई परेशानी नहीं। लेकिन राजनीति इस पर बहुत ज्यादा हो रही है। अखिलेश यादव का ट्वीट आ गया, आपने देखा ओवैसी लगातार ट्वीट कर रहे हैं इस पर, लेकिन परेशानी जिनको होनी चाहिए थे उनको रत्ती भर परेशानी नहीं। वो कह रहे हैं प्रशासन का आदेश हमारे सर आंखों पर, हमारी बेहतरी के लिए है, और हम आगे भी इसे फॉलो करते रहेंगे, क्योंकि जो एरिया है, जो मुजफ्फरनगर का एरिया है, बहुत लंबा एरिया है जहां से कांवड़ यात्रा होकर निकलती है, इस जगह पर कोई असुविधा ना हो, किसी तरह की संशय ना हो, इसे लेकर यह आदेश जो है जो SSP अभिषेक सिंह उन्होंने दिया था। लेकिन अब इस पर सियासत हो रही है, इस पर सांप्रदायिक रंग देने की इसे कोशिश राजनेताओं द्वारा किया जा रहा है, और इसी कड़ी में अखिलेश यादव, ओवैसी, इन तमाम लोगों का नाम सामने आ रहा है। अनामिका, ठीक है अनूप, देखिए लगातार अब इस पूरे फैसले को लेकर, यानी कि मुजफ्फरनगर प्रशासन ने जो कदम उठाया है इसे लेकर किस तरीके से सियासत देखने को मिल रही है, लगातार हम आपको बता रहे हैं। अब इसी बीच मौलाना साजिदी रशीद ने भी एक बयान दिया है, क्या कहा है मुजफ्फरनगर प्रशासन के इस कदम को लेकर, वो आपको सुनवाते हैं। यूपी प्रशासन की ओर से हापुड़ और मुजफ्फरनगर में एक ऐलान हुआ है कि जितने भी दुकानदार हैं जहां से कांवड़ यात्रा निकलेंगी, वो तमाम दुकानदार अपनी दुकानों पर अपना नाम लिखकर लगाएं और आईडी दें। ये इतना शर्मनाक बयान है, और ये इतना हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाने वाला बयान है, यानी इनका मकसद ये है कि वो कांवड़िए जो यात्रा लेकर जाएंगे वो ये पता कर सकें कि ये दुकान मुसलमान की है और इससे कुछ नहीं ख़रीदना है। ये जो बयान दिया गया है वो इस नज़रिए से दिया गया है ताकि मुसलमानों की दुकानों से कुछ ना खरीदा जाए और पता चल जाए कि ये मुसलमान की दुकान है।
सावन का महीना शुरू होने वाला है, कांवड़ यात्रा शुरू होगी और जिस मार्ग से यात्रा जाती है क्योंकि अधिकतर कांवड़िए हरिद्वार की तरफ, ऋषिकेश की तरफ जाते हैं और मुजफ्फरनगर से होते हुए जाते हैं, तो ऐसे में वहां पर दुकानों पर या काम करने वाले लोगों के बारे में जानकारी, उनका ब्यौरा लिखना शुरू हो गया है प्रशासन की ओर से, जिस पर अब राजनीति भी गर्म हो रही है। हालांकि प्रशासन का यह कहना है कि हमने कई चीजों को ध्यान में रखते हुए यह बड़ा फैसला लिया है क्योंकि कई बार कांवड़ यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अनूप की इस रिपोर्ट को देखिए जिन्होंने वहां पूरी तस्वीर दिखाई है, लोगों से बातचीत की है। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई है, खासकर मुजफ्फरनगर की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है और चर्चा इसलिए क्योंकि एसएसपी ने एक आदेश जारी किया है और इसमें कहा है कि कांवड़ यात्रा के रास्ते में जहां जहां खाने पीने की दुकानें होंगी उन दुकान वालों को अपना नाम पता सब कुछ दुकान के आगे लिखना होगा। ये मुजफ्फरनगर का ये वही रास्ता है जहाँ से कांवड़ यात्रा को निकल कर जाना है और इस रास्ते में जहाँ भी खाने पीने की दुकानें होंगी कहा जा रहा है कि वहाँ पर ये आपको लगाना पड़ेगा, अपनी पहचान आपको बतानी पड़ेगी और इसी पहचान के मद्देनजर देखिए फल की दुकान है और यहाँ भी साफ लिखा है निसार फल। आप देखिए निसार फल लिखा हुआ है। निसार भाई हैं आप? जी निसार भाई, क्या कहा गया आदेश में, आप लोगों को नाम लिखना है, पता लिखना है, ऐसा कुछ? बस यही है, बोर्ड लगाना है आपको नाम का अपने और यहाँ। तो आप लोग प्रशासन का आदेश मान रहे हैं पूरी तरह से? जी मान रहे हैं पूरी तरह से। मतलब 22 तारीख से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है लेकिन पहले से ही कह दिया गया कि लगा कर? पहले से ही कह दिया जी हाँ। तो पूरे कांवड़ यात्रा लगाएंगे आप लोग? बस कांवड़ कांवड़ के अंदर लगाएंगे, बस उसके बाद में उतार देंगे। पूरे मुजफ्फरनगर में और कहाँ कहाँ लगी है ऐसी जो बोर्ड है? दसियो रेडी पे लगी हुई है, दुकानों पे लगी हुई है सब जी। ये लगी हुई है, ये लगी हुई है इधर। तो इसमें पहचान तो नजर नहीं आ रही, देख काशिफ है, काशिफ है उधर पे, ट्रैक्टर वाले हैं। अच्छा। ये सब चीज लगी हुई है दुकानों पे मुसलमानों की सब। और भी हम चीजें आपको दिखाते, देखिये दुकानें बंद तो जरूर है लेकिन इन्होंने अपनी पहचान भी बता दी है, काशिफ कन्फेक्शनरी। देखिये ये दुकानें हैं दूध की, क्योंकि अक्सर जो कांवड़ यात्रा पे लोग निकलते हैं वो दूध फल मिठाई जो भी है खरीदना हो तो ऐसे खरीदते हैं। तो देखिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो कांवड़ यात्रा रूट पर लगी दुकानों पर उनके मालिकों और वहां काम करने वालों के नाम लिखे रहेंगे। मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन ने यात्रा की पवित्रता और किसी भी तरह के विवाद से बचने के लिए यह कदम उठाया है। हालांकि तथाकथित सेक्युलर नेताओं को इस फैसले से परेशानी तो जरूर है, की रिपोर्ट देखिए। कांवड़ रूट पर दुकानदारों की होगी पहचान, हर दुकान पर लिखा होगा मालिक का नाम। विवाद रोकने के लिए मुजफ्फरनगर प्रशासन का फरमान। कांवड़ यात्रा के दौरान शुद्धता के लिए मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन ने अनोखा आदेश जारी किया है। जिला प्रशासन ने आदेश दिया है कि कांवड़ रूट पर दुकानों पर काम करने वालों के नाम डिस्प्ले किए जाएंगे। यह आदेश खाने पीने की सभी दुकानों पर लागू किया गया है जिसमें छोटे मोटे ठेले भी शामिल हैं। मुजफ्फरनगर पुलिस के आदेश के बाद कई जगहों पर दुकानों पर दुकानदारों और वहां काम करने वालों के नाम लिखने भी शुरू हो गए हैं। आदेश में कहा गया है कि दुकान पर दुकानदार का नाम स्पष्ट लिखा होने से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। दरअसल कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है जिसकी सारी तैयारियां आखिरी दौर पर है। लाखों शिव भक्त कांवड़ लेकर मुजफ्फरनगर के रास्ते हरिद्वार तक जाते हैं और वापस लौटते हैं। इस दौरान रास्ते में सैकड़ों दुकानें पड़ती हैं। कई बार दुकानों से खरीदारी करने के दौरान कांवड़ियों और दुकानदारों में विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। जिला प्रशासन का दावा है कि इस आदेश के बाद ऐसे विवाद बेहद कम हो जाएंगे। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल ढाबे ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम ज़रूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो, इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है। मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन के आदेश पर सियासी विवाद भी शुरू हो गया है। AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी ने इस आदेश को गलत बताया है। ओवैसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर फैसले को नफरत फैलाने वाला बताया है। ओवैसी ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के आदेश के अनुसार अब हर खाने वाली दुकान या ठेले के मालिक को अपना नाम बोर्ड पर लगाना होगा ताकि कोई कांवड़िया गलती से मुसलमान की दुकान से कुछ न खरीद ले। इस दक्षिण अफ्रीका में अपार्थाइड कहा जाता था और हिटलर की जर्मनी में इसका नाम जुडेन बॉयकॉट था।
विश्व हिंदू परिषद ने जिला प्रशासन के आदेश को सही बताया है। वीएचपी के अनुसार कांवड़ यात्रा की पवित्रता के लिए ये एक अच्छा फैसला है। वीएचपी के विनोद बंसल ने ओवैसी पर पलटवार किया है। बंसल ने एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि यूपी पुलिस ने नामों की सच्चाई के लिए पाबंद क्या किया। ओवैसी बोले, मानो जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका। पापियों को पाप के उजागर होने का खतरा जो था। आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा 22 जुलाई से शुरू हो रही है, जो 19 अगस्त तक चलेगी, जिसके लिए प्रशासन और पुलिस ने पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। यात्रा मार्ग पर शराब और मांस की दुकानें भी बंद रहेंगी, जबकि सुरक्षा के लिए कांवड़ यात्रा पर सीसीटीवी और ड्रोन से नजर रखी जाएगी। लेकिन जिला प्रशासन के दुकानदारों की पहचान के फैसले से यात्रा शुरू होने से पहले ही सियासत शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।